गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल तक हम लोगों ने रश्मिरथी खंड काव्य पढ़ा, उसके रोचक एवं प्रेरक अंश भी पढ़े, अर्थात खंडकाव्य के आधार पर जो 5 अंक का प्रश्न आता है उस पर जितने प्रश्न बनते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग हिंदी गद्य साहित्य पर जो आधारित के इतिहास पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 1 अर्थात जिसमें 5 प्रश्न होते हैं गद्य पर और 5 प्रश्न होते हैं पद्य पर। तो प्रथम 5 प्रश्न जो पूछे जाते हैं गद्य साहित्य के इतिहास पर, उसका हम लोग जो है अभ्यास करेंगे। इस वर्ष के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में जो कुल 7 सेट बनाए गए थे, उन 7 सेटों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को मैं आज उस पर चर्चा करूंगा। कुल 7 सेटों में से आज हम लोग 3 सेट अर्थात 302 ZH, 302 ZI, 302 ZJ, HIJ, तीनों सेटों के प्रश्नों का ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है? पहला है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कौन सी कृति है? जैसा कि आप लोगों ने इनका जीवन परिचय और अपने पाठ्यक्रम में आधारित जो निर्धारित जो इन पाठ है, राष्ट्र का स्वरूप, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, वासुदेव शरण अग्रवाल की कौन सी कृति है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पुनर्नवा, पृथ्वीपुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल। तो इसका उत्तर होगा दूसरा अर्थात पृथ्वीपुत्र। ठीक है, इसका उत्तर होगा पृथ्वीपुत्र। अगला प्रश्न है दूसरा, ख, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। आप लोगों को अभी इनका पाठ नहीं पढ़ाया गया है, इनका सिलेबस में हमारे जो है पाठ्यक्रम में इनका एक पाठ है, भाषा और आधुनिकता, भाषा की आधुनिकता अर्थात भाषा और आधुनिकता जो अपने सिलेबस में है, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, इनकी रचनाओं में से प्रश्न पूछा गया। एक है, पहला दिया विकल्प, सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार मंथन। तो इसका उत्तर होगा ये तीसरा विकल्प, मेरे विचार। अगला प्रश्न, यशपाल कृत सिंहावलोकन की रचना विधा है। यशपाल की द्वारा लिखी गई एक रचना है सिंहावलोकन, उसकी विधा पूछी गई। विधा आप लोगों को जानना चाहिए कि गद्य में कई विधाएं हैं, लगभग 16-17 विधाएं हैं, नवीन विधाओं को लेकर के पुरानी विधाएं, जिस प्रकार से निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, एकांकी है, ये सब पुराने के साथ जीवनी है, ये सब पुराने के साथ साथ नए
जो विधाएं आई हैं उसमें आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, इस तरह की नई नई विधाएं हैं जिसमें आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। यशपाल कृत सिंहावलोकन की रचना विधा है, तो इसका उत्तर है पहला आत्मकथा। अगला प्रश्न है घ, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना एक रचना है, उसके लेखक का नाम पूछा गया है। तो पहला है निराला ही दिया गया है, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और चौथा है रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर होगा रामविलास शर्मा, चौथा उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर एक आलोचनात्मक आलोचना है लिखी गई, और इसके लेखक कौन है? चार दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर है साहित्य सहचर का दूसरा विकल्प अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, यहाँ आकर के ये आपके 5 प्रश्न अर्थात 302ZH जो पहला सेट था उस सेट के 5ों प्रश्न पूरे हुए। अब 302ZI का पहला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है। चलिए इसका उत्तर है आनंद कादम्बिनी। यहाँ संपादित गलत छप गया है, यहाँ छोटा सा होना चाहिए, बड़ा सा छप गया है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है, उत्तर होगा आनंद कादम्बिनी। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामी नाटक है प्रसिद्ध, इसके लेखक हैं। चार विकल्प दिया गया है, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं, दूसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद। अगला है, अशोक के फूल निबंध, यहाँ द छप गया है, गलत छपा है, निबंध होना चाहिए। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विद्यानिवास मिश्र, चौथा रामविलास शर्मा। तो अशोक के फूल आपके पाठ्यक्रम में है, जो पाठ हम लोग पढ़े हैं दो, उसके अगले बाद तीसरा पाठ जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अशोक के फूल। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। ये चार कहानियां नीचे दी गई है, कफन, गुंडा, रोज, चीप की दावत। तो इसका उत्तर है पहला विकल्प कफन। कफन जो है प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी। अगला है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के, भावनात्मक निबंध के। तो ये विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो निबंधकार हैं ललित निबंध के, ललित कला, ललित साहित्य, ललित निबंध वो उनका प्रमुख विधा है, तो वो ललित निबंध के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न, ये 2 सेट पूरे हो गए अर्थात 302ZI भी पूरा हुआ, कुल 10 प्रश्न हो गए। अब 302
जेड जे, ये जो है प्रश्न है। पहला, कल्पलता के लेखक हैं, कल्पलता के लेखक हैं, चार विकल्प दिया गया, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा। तो कल्पलता के लेखक हैं, दूसरा विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है प्रश्न, द्विवेदी युग के लेखक हैं, चार लेखक दिए गए हैं, इनमें द्विवेदी युग के कौन से हैं, वो आपको बताना है। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प, सरदार पूर्ण सिंह, जिसको आप लोगों ने 11वीं पढ़ा है, आचरण की सभ्यता, वही सरदार पूर्ण सिंह, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। चौथा प्रश्न, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। चार विकल्प दिए गए हैं, डायरी है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण। तो ये बाबू गुलाब राय की है रचना, जिसमें ये आत्मकथा है, मेरी असफलताएं आत्मकथा है। और चौदहवा है, 14th क्वेश्चन, द्विवेदी ये आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो उत्तर होगा इसका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऊपर में ये प्रश्न दूसरे तरीके से घुमा के पूछा गया था कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है। तो अब यहाँ जो है घुमा करके दूसरी तरीके से प्रश्न पूछा गया कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अंतिम है प्रश्न, हरिशंकर परसाई कि जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। हमारे पाठ्यक्रम में उनका एक पाठ है निंदा रस, हरिशंकर परसाई का हम लोग पढ़ेंगे। तो उनकी एक रचना और है, जैसे उनके दिन फिरे, यह आपको बताना है कि यह किस विधा की रचना है, जैसे उनके दिन फिरे। तो यह है इसका दूसरा विकल्प है कहानी। तो हरिशंकर परसाई की रचना जो है जैसे उनके दिन फिरे, यह है कहानी विधा की रचना, अर्थात इसकी विधा है कहानी। थैंक यू। आज हम लोग केवल 15 प्रश्न ही पढ़ेंगे, आप लोग इन प्रश्नों को कॉपी में उतार लेंगे और उनका उत्तर भी आप लोग टिक कर लेंगे, जिससे ये अब हम लोग जो है परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से जो है अब अध्ययन करेंगे। तो उसी आधार पर अब मैं प्रश्न संख्या 1 से गद्य साहित्य के इतिहास के बाद काव्य साहित्य का इतिहास, इस तरह से अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।